हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस, आपने ध्यान दिया होगा कि जिंदा इंसान जो है वो पानी में डूब जाता है, लेकिन जो मृत शरीर होता है वो हमेशा पानी में तैरता रहता है। लास्ट डेड बॉडी जो होती है वो तैरती रहती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको पहले समझाते हैं, जिसकी वजह से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक प्लास्टिक का डिब्बा लीजिए, कुछ ऐसी खाने की चीज़ें भरो जो उसमें जल्दी खराब हो जाती हों, फिर डब्बे को बंद करके पानी में डाल दो। आप देखोगे डब्बा पानी में डूब जाएगा उस वक्त। फिर जैसे ही जैसे डिब्बे में रखा खाना जो है वो खराब होगा, वैसे वैसे डिब्बा ऊपर आने लगता। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि डिब्बा फट जाएगा और इस डिब्बे के अंदर जो खाने की गैस है वो बाहर आ जाएंगी। ये गैस के कारण ही होता है, जिसकी वजह से वस्तु का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम हो जाता है और वो पानी के ऊपर चीज़ आ जाती है। तो गैस, आपको एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अब ये बताते हैं कि व्यक्ति का जो घनत्व है वो जिंदा व्यक्ति के घनत्व से कम कैसे हो जाता है। गैज, इंसान की डेड बॉडी जो होती है जब पानी के अंदर जाती है और उस बॉडी के फेफड़े में पानी भर जाता है और पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और हमारे शरीर जो डेड बॉडी होती है उसमें पहले से भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। मरने के बाद व्यक्ति के जो रक्षा तंत्र होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, वो बैक्टीरिया शरीर को अपघटन करना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर जो डेड बॉडी होती है उसमें जो कोशिकाएं और ऊतक होते हैं उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं ये बैक्टीरिया। इसी के कारण मनुष्य का पेट और पीठ दोनों फूलना शुरू कर देते हैं। गैज, इसके बाद जैसे ही शरीर का घनत्व पानी से घनत्व से कम होता है, इसलिए शरीर ऊपर आने लगता है पानी के। पानी में डूबकर मरने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में कुछ दिनों बाद कीड़े पड़ जाते हैं, फिर बॉडी सड़ने लगती है। इसके कारण बॉडी में गैसें बनने लगती हैं, जिससे व्यक्ति का पेट और पीठ, आपने अक्सर देखा होगा जो पानी में डूबकर मरते हैं उनके पेट फट जाते हैं। इसी वजह से जो गैसें पेट में बनती हैं उनकी वजह से पेट और पीठ दोनों फटने लगते हैं। इस गैस के कारण ही शरीर का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम हो जाता है। गैस, मरे हुए जो शरीर का द्रव्यमान होता है वो पानी के द्रव्यमान से कम होता है। गैस, जो डेड बॉडी के अंदर जो गैसें बनती हैं वो गैसें हैं मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ये गैसें जब मिलकर बाहर निकलती हैं और इसी कारण डेड बॉडी को धीरे धीरे पानी के ऊपर तक ले आती हैं। इसलिए जो डेड बॉडी होती है वो पानी में तैरती रहती है, ना कि पानी में डूबती है। यही वजह है लास्ट ऊपर तैरती है इसी वजह से। गाइज, आपको ये अमेजिंग फैक्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल पर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।